हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आरसी एजुकेशन हब 500 ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी सी लास्ट टाइप रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज अदर टाइप रिएक्शंस। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन दिस पार्ट वी सी फर्स्ट ए रिएक्शन दैट इज वेरी यूजफुल रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोटीन। क्लोरोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, ये वाला हाइपोटिक ड्रग्स होती है। ये क्या है, क्लोरोटीन एक ड्रग्स है। क्या है ये, ड्रग्स। और ड्रग्स का फॉर्मेशन होता कैसे, एक नंबर क्वेश्चन में आपको पुट अप कर लेते हैं। देखिए, कीटोन की अगर अपन रिएक्शन कराएं, यानी मोस्टली एसीटोन को अगर यूज करें, और एसीटोन की रिएक्शन स्टूडेंट्स अपन कराते हैं किससे, क्लोरोफॉर्म से। दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्या ये क्लोरोफॉर्म से अगर रिएक्शन कराते हैं किसकी, एसीटोन की। एसीटोन रिएक्ट विद ए क्लोरोफॉर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड क्लोरोटीन CCl3। दैट इज एडिशन रिएक्शन। वेरी सिंपल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड क्लोरोटीन। दैट इज ए स्लीपिंग डिजीज हाइपोनोटिक ड्रग। क्लोरोटीन इज ए ड्रग दैट इज हाइपोनोटिक विच यूज इन ए स्लीपिंग पोजिशन। अगर आप इस कंडीशन में अगर सो नहीं पाते, निद्रा कंडीशन रहती है, नींद नहीं आती है, उस कंडीशन में इस ड्रग को यूज करते हैं निद्रा के लिए। मोस्टली स्लीपिंग वर्क्स में इसको यूज करते हैं। ड्रग्स हैं, क्लोरोटीन है। फॉर्मेशन कैसे हो स्टूडेंट्स, इस वाले में देखें तो ये CCl3 और ये क्या है, H। इस वाले को यहाँ से यहाँ एडिशन करेंगे तो कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने का मतलब ये वाला H है वो कहाँ जुड़ेगा, इसके साथ में, और ये यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, CCl3 वाला पार्ट, रिमेनिंग पार्ट CCl3 ट्राइक्लोरो, ये यहाँ पे जुड़ गया, और ये वाला OH के साथ OH जुड़ गया। ये कहलाता है क्लोरोटीन। क्या कहलाएगी, क्लोरोटीन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट कहलाता है क्लोरोटीन। जो क्या होती है, ड्रग्स होती है, हिप्नोटिक टाइप की ड्रग्स होती है जो स्लिपिंग के अंदर मोस्टली काम आती है। अनिद्रा रोग हो जाता है, प्रॉब्लम आती है, स्लिपिंग नहीं कर पाते हैं, उसके अंदर ड्रग को यूज करते हैं, स्लिपिंग क्या होती है, बेटर। तो नींद की टैबलेट्स होती हैं, स्लिपिंग टैबलेट्स होती हैं, उसमें इसको यूज किया जाता है, क्लोरोटीन को यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे एक टाइप की रिएक्शन और है, क्लोरोटीन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोटीन किससे यूज कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं, एसीटोन की प्रोपगेशन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है, एक है टिसेनको रिएक्शन। कौन सी है, टिसेनको रिएक्शन। नेम रिएक्शन है टिसेनको रिएक्शन, और ये टिसेनको जो रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, ये है एस्टर का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन करती है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में, एल्डिहाइड ग्रुप जैसे CH3C OH, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड। दूसरे वाला ग्रुप भी क्या है, एसिटल्डिहाइड। ये दोनों रिएक्शन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम इथोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं। और एल्यूमिनियम इथोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करके, और ये वाले क्या बना लेते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों एक तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यानी जस्ट लाइक के निजारो रिएक्शन की तरह ही, किसकी तरह है, के निजारो रिएक्शन की तरह होते हैं। और यहाँ पर एक तो बना लेगा क्या, एल्कोहल बना लेगा, और एक क्या बन जाएगा इसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो कार्बन है, दो ही कार्बन यहाँ पर है, इस वाले के अंदर सेम कार्बन का नंबर है, वो अपने पास प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है। अब देखो इन दोनों प्रोडक्ट्स में, देखें सॉरी यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं, दो ही कार्बन है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये तो आपके पास में क्या बन गया, इथेनॉल, और यहाँ पे ये क्या बन गया अपने पास है, इथेनोइक एसिड। इन दोनों की वापस रिएक्शन होती है, और रिएक्शन में क्या होगा, इस वाले पार्ट से यहाँ से H2 रिमूव हो गया, क्या निकल गया, H2। जैसे यहाँ से H2 रिमूव होता है हल्का सा हीट करने पर, तो क्या बन गया, CH3CH2
OC डबल बॉन्ड OCH3 ये बन जाता है। और ये क्या होता है आपके पास में स्टूडेंट्स, एस्टर। क्या बन जाते हैं? एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। एस्टर बनाने का एक मेथड है, कौन से वाला है? टिसेन को रिएक्शन में एल्डिहाइड के दो मोल यूज किए जाते हैं और दोनों के अंदर रिएक्शन होती है। एल्यूमिनियम इथोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। एल्यूमिनियम इथोक्साइड, ध्यान रखना अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये टिसेन को रिएक्शन है। इसमें आपको अल्कोहल बनेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। दोनों को वापस गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में? एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीहाइड्रोलाइसिस करवाएं क्या हो जाएगा? एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है? दैट रिएक्शन इज कॉल्ड टिसेन को रिएक्शन। कौन सी कहलाती है? टिसेन को रिएक्शन कहलाती है। ओके, ये मोस्टली स्टूडेंट्स अपन ने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड का टूडे अपन ने एंड कर दिया है। कार्बोनाइल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड वाला जो पार्ट था वो लगभग मोस्टली कंप्लीट हो गया है। इसमें एक लास्ट वीडियो है, मैं बनाने वाला हूँ कि एल्डिहाइड और किटेन किटोन है उन दोनों को डिफ्रेंशिएट अपन कैसे करते हैं, कौन से रिएजेंट होते हैं, वो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विदाउट राइटिंग पार्ट, उसमें कौन कौन से टेस्ट अपन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपना वीडियो रहेगा वो मोस्टली है दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं उसके ऊपर रहेगा। ओके, तो टूडे वी कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, देन वी स्टडी इन नेक्स्ट डे वी सी बी पार्ट ऑफ दिस यूनिट दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 3 का थर्ड का बी पार्ट। ए पार्ट अपन ने पढ़ा है कार्बोनाइल कंपाउंड, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़े हैं। अब पढ़ेंगे अपन इसके बाद में नेक्स्ट अपनी स्टडी कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, टुडे इज सफिशिएंट विद केमिकल प्रॉपर्टीज एंडिंग ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ओके, थैंक यू।